हाँ जी दोस्तों, अगर आप भी बड़े यूट्यूबर्स की तरह अपना थंबनेल बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीका आप बना सकते हैं। आप इस वीडियो में बने रहिएगा। आपको बड़े यूट्यूबर्स केवल झांसा देते हैं, आपको बताएंगे कि आपका एक घंटे में या एक दिन में आपका चैनल ग्रो हो जाएगा, आपके व्यूज बढ़ जाएंगे, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। आपने पता नहीं अभी तक कितने वीडियोस देखे हैं लेकिन आपका सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ेगा। ये बात सच है तो आप कमेंट में यस टाइप करके जरूर डालिएगा। आप मेरा जैसे थंबनेल चुटकियों में बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे थंबनेल बनता है। जब आप थंबनेल अच्छा बनाएंगे तो आपकी ऑडियंस ऑटोमेटिक आपके चैनल पे बढ़ेगी, आपका चैनल ऑटोमेटिक ग्रो करेगा। आपको टैग भी अपना लिमिटेड रखने हैं, टैग डिस्क्रिप्शन, ज़्यादा उसमें कचड़ा नहीं भरना है। अगर आप उसमें ज़्यादा कचड़ा भरेंगे तो यूट्यूब आगे सब यूट्यूब खुद नहीं समझ पाएगा कि इसमें आप क्या डाल रहे हैं, कहाँ भेजना है। आप लिमिटेड आप अपने कॉन्टेक्ट से कॉन्टेंट से ही रिलेटेड उसमें डालना है, और फालतू की चीज़ें डिस्क्रिप्शन में नहीं भरनी है, ना ही टैग में भरनी है। और अपना जितना भी थंबनेल वगैरह है मेंटेन रखना है, प्रॉपर तरीके से अच्छा बनाना है। जब आपका कंटेंट अच्छा होगा, आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी होगी तो उस पर आपके व्यूज वगैरह सब्सक्राइबर्स ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स केवल अपने व्यूज बढ़ाने के चक्कर में आपको इधर उधर की बातें, फालतू की बातें बताते हैं, आपका टाइम भी बर्बाद होता है। और सबसे पहली बात तो ये, अगर आप नए यूट्यूबर हैं तो आपको अपने वीडियोज़ पर ध्यान देनी है, अपने कॉन्टेंट पर, अपने थंबनेल बैनर इन चीज़ों पर ध्यान देना है, इनको मेंटेन बनानी है। जब इनको मेंटेन बनाएंगे तो आपका चैनल ऑटोमेटिक ग्रो करेगा। लेकिन आप ढूंढ रहे हैं कि व्यूज कैसे बढ़ाएं, सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाएं, आपका ध्यान इस चीज़ों पे है। जब इस चीज़ों पे आपका ध्यान रहेगा तो आप नहीं समझ पाएंगे क्या सिस्टम है यूट्यूब का, कैसे आप ग्रो करेंगे। चलिए आपको थंबनेल बनाना सिखाता हूँ। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा देना, और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। आप थंबनेल बनाना सीख जाएंगे प्रॉपर तरीके से। जब सीख जाए प्रॉपर तरीके से कि कैसे थंबनेल बनेगा, अगर हमारा थंबनेल अच्छा लगे आपको तो ये फ्रेंड जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके नए यूट्यूबर्स फ्रेंड हैं, जो आपके जितने फ्रेंड्स हैं, मैं पता होगा आपके फ्रेंड्स होंगे जो न्यू चैनल बना रहे हैं, बनाए हैं, वो काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं, आपने चैनल को ग्रो करना चाह रहे हैं, तो आप अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा वीडियो। जो नए यूट्यूबर हैं उनको भी मदद मिलेगी, इस वीडियो से थंबनेल बनाना सीखेंगे। चलिए आपको मोबाइल स्क्रीन पे ले चलता हूँ, समझाता हूँ कैसे आप थंबनेल बना सकते हैं। आप अपना पिक्सेल लैब ऐप को ओपन कर लीजिएगा, उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके आप अपना इमेज का साइज चुन लीजिए। यहाँ से आप आएंगे, यहाँ पे दिखाएगा यूट्यूब थंबनेल, यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करके इसको अपना यहाँ पे न्यू टेक्स्ट को यहाँ पे डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके शेप्स पे क्लिक करना है और अपना शेप बना लेना है, जिसमें आपको लिखना है। इस तरीके से अपना शेप बना लीजिए। हम यहाँ पे इसे बना चुके हैं और इसको रोटेट कर लेना है आपको। रोटेट करने के लिए आपको इसमें आकर इस रोटेट पे क्लिक करना है, उसे इस एंगल में रखना है आपको इस तरीके से, और इस पर आपको शेडो जरूर शेडो अप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने शेडो अप्लाई कर दिया, अब ये देखने में और भी अच्छा लग रहा है। उसके बाद सिंपल से मैं यहाँ पे लेयर पे क्लिक से लॉक करना है, जिससे ये हमारा इधर उधर हिले डुले ना। उसके बाद आपको यहाँ पे ड्रॉ पे क्लिक करना है। ड्रॉ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फील इनसाइड दिख रहेगा, इसको ऊपर ओपन कर लेना है, यहाँ पे अपना कलर चूज कर लेना है। उसके बाद आपको इस तरीके से करके ऐसे घुमा देना है, आपका इस आकार में बन जाएगा। उसके बाद राइट पे क्लिक करके इसको अपना सही से सेट कर लीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये हम यहाँ पे सेट कर लिए हैं। अब इसको भी इस पर भी आपको शेडो अप्लाई कर देना है, यहाँ आपको नीचे दिख रहा होगा शेडो। शेडो अप्लाई करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, और इसको भी लेयर पे जाके इसे लॉक कर देना है। उसके बाद आप प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके आपको इमेज चुन लेनी है अपनी पीएनजी वाली, जो आपने निकाल रखी होगी। गैलरी पे जाना है, अपनी इमेज को इस टाइप से जितनी भी बड़ी करना चाहें उसको करके यहाँ पे सेट कर दें इस तरीके से। ये इमेज हमारी यहाँ पे लग चुकी है, इसको आकर्षक दिखाने के लिए यहाँ पे थोड़ा शेडो लगा देते हैं।
ये हमारा यहाँ पे इमेज लग चुका है। उसके बाद आपको सिंपल तरीके से इसको अच्छे से सेट कर लीजिएगा, ये हो गया। अब इसको भी लेयर से यहाँ पे हम लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आना है। टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आके यहाँ पे आपको सीधा अपना टेक्स्ट लिख लेना है। मेरे जैसे थंबनेल बनाना सीखो, इस तरीके से इस पर क्लिक करके इसके बाद आप यहां से अपना कलर चेंज कर लीजिएगा। इसका कलर चूज हो जाएगा, आप जिस कलर में इसे रखना चाहते हैं। फिर इसका फॉन्ट साइज अपना सही कर लीजिएगा। इस चलो यहाँ पे स्टाइल करके मैं यहाँ पे थोड़ा इसको सही कर लेता हूँ। और फॉन्ट पे जाके आपको अपने हिसाब से जो फॉन्ट आपको सही लगे वो सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से, और इसको भी रोटेट कर लीजिएगा उसी एंगल में जिस एंगल में आपने शेप को किया था। इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसको भी मैं यहाँ पे लेयर पे जाके इसे भी लॉक कर देता हूँ। यहाँ टेक्स्ट पे आके यहाँ पे मैं फिर लिख लेता हूँ अपने मोबाइल से। इसका भी कलर आप चुन लीजिएगा। इसको भी उसी एंगल में रोटेट कर लेना है जिस तरीके से ये हुआ था, 3 डिग्री में इसे भी कर लेना है। और इसको भी शेडो से थोड़ा आकर्षक बना लेते हैं। यहाँ पे हो गया ये। उसके बाद इसे भी हम यहाँ पे लेयर से लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद आप यहाँ पे फिर जो भी आप फोटो लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे गैलरी में जाकर यूट्यूब का ये मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। इसको एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये हो गया। अब इसको लेयर में जाके इसे भी हम लॉक कर देते हैं। यहाँ पे एक टेक्स्ट और लिख देते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट चुनिएगा, एडिट पे जाए। यहाँ पे लिख लेना है 5 मिनट, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको 5 मिनट में। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इसे भी हम रोटेट कर लेता हूँ यहाँ पे उसी एंगल में। ये हो गया। उसके बाद इसमें यहाँ पे इसको थोड़ा सा शेडो
अप्लाई कर देता हूँ इस पर। उसके बाद यहाँ पे चलिए इसका हम कलर चूज कर लेते हैं, ये हो गया कलर। हम नीचे देख सकते हैं, हम यहाँ पे मिनट पे यूं करके यहाँ से हम इसको येलो कर देते हैं। ये हो गया येलो। अब ये दोनों देखने में थोड़ा आकर्षक लग रहा है। अब इसका फ्रंट साइज हम चुन लेते हैं यहाँ पे, जिसमें थोड़ा ये बड़ा सा लगे। ये हो गया यहाँ पे। अब चलिए यहाँ पे मैं कुछ थंबनेल हैं उनको ऐड कर लेता हूँ। ये टेक बॉय ओम का भाई का चैनल है, बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, आप लोग देख सकते हैं जाकर। बहुत ही कम समय में अपना चैनल ग्रो कर लिया है बंदे ने। आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो इस चैनल पे देखने को मिलेगी। मैं चलो टेक बॉय ओम का यहाँ पे थंबनेल लगा लेता हूँ। इसमें थोड़ा शेडो का भी प्रयोग कर लेता हूँ यहाँ पे। चलिए एक और थंबनेल में लेता हूँ यहाँ गैलरी से। चलिए यहाँ पे हमने मनोज दे का थंबनेल ले लिया है, मनोज दे को कौन ही जानता है। ये यहाँ पे मैंने मनोज दे का थंबनेल ऐड कर दिया है। अब इसमें भी हम थोड़ा शेडो का प्रयोग कर लेते हैं, जिसे देखने में और अच्छा लगे। ये इस तरह से यहाँ बन गया। चलिए मैं यहाँ पे एक फिक्सल लिप का फोटो ऐड कर लेता हूँ। इसको गोल करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके इसे अपने साइज का बना सकते हैं इस टाइप से, और क्रॉप करके जहाँ पे चाहे वहाँ पे आप सेट कर सकते हैं इसको। ये यहाँ पे हमने यहाँ सेट कर दिया। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, अब थंबनेल बनके यहाँ पे रेडी हो चुका है। और लेयर पे जाके आप इस सबको लॉक कर लीजिए ताकि इधर उधर ना जाएं। और आप यहाँ सेटिंग पे जाके कंट्रास्ट यहाँ पे देख सकते हैं, ब्राइटनेस से कंट्रास्ट आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसा आपको सही लगे। इस तरीके से आप बनाएंगे, बहुत ही आसान था, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ये यहाँ पे देखो थंबनेल बनके कंप्लीट हो गया। अब इसको सेव करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, सेव एज इमेज पे। आपको HD क्वालिटी में एकदम सेव करना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्वालिटी पे क्लिक किया यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अल्ट्रा, तो अल्ट्रा पे क्लिक करके आप सेव टू गैलरी पे क्लिक कर दीजिएगा। थंबनेल बनकर आपका रेडी हो चुका है। आप ऐसे ही आपका चाहे किसी भी टॉपिक का चैनल क्यों ना हो, आप बनाकर अपना थंबनेल ला सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।